हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके फूडी कुकिंग, स्वाद का राज। तो आज हम बनाएंगे राजमा उड़द की दाल, एकदम यूनिक एंड टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। बनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और वीडियोज एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी उड़द है, लगभग 200 ग्राम होंगे। जितने हम उड़द लेंगे उसी को नाप कर हम राजमा भी ले लेंगे और उनको सोख करके रख देंगे। राजमा को इसलिए सोख करके रखा है क्योंकि उड़द को पकने का टाइम और राजमा को पकने का टाइम अलग अलग होता है। तो राजमा को सोख करके मैंने ऑलरेडी रख दिया था, अभी बिल्कुल सोख हो चुका है। उड़द को हम रगड़ कर 3 से 4 बार अच्छे पानी में धुल लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जितना भी गंदा होगा उसको निकाल कर अलग कर देंगे। अभी बिल्कुल रेडी हैं। अब एक भगोने में मैंने ऑलरेडी पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, लगभग 1 लीटर के। अब जो उड़द और राजमा है उसको इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर एंड लास्ट में नमक स्वाद के अनुसार लगभग 1/2 चम्मच है। अब इसको एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे एंड लगातार चलाते रहेंगे। जब उबाल आने लगेगा तो ऊपर जो भी इसके झाग बनेगा उसको निकाल देंगे चम्मच से। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं 3 से 4 सीटी लगाकर अगर जल्दी हो तो, पर खुले बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जो कुकर में बनाते हैं तो चिकले और उड़द अलग अलग हो जाते हैं, तो अगर खुला बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे झाग को निकाल दिया है। अब इसको इसी तरह बिल्कुल फ्लेम को मीडियम कर देंगे 1/4 घंटे के लिए, बिल्कुल इसको सॉफ्ट होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। उड़द जो है बिल्कुल अंदर तक गल जाना चाहिए, राजमा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो लगभग 40 से 45 मिनट बाद मैंने देखा है उड़द जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं एंड गल चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उड़द और राजमा अच्छे से पक चुके हैं और हम इसमें 1 गिलास ठंडा दूध डाल देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। ये 1/2 चम्मच के लगभग मक्खन डालेंगे और मिक्स कर लेंगे एंड गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा धीमी धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। एक 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कसूरी मेथी एंड उड़द राजमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको साइड में रख देंगे और इसका तड़का तैयार कर देंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे, देसी घी ना हो तो कोई भी ऑयल दे सकते हैं, और 1/2 चम्मच के लगभग जीरा डालेंगे एंड जीरे को अच्छे से एकदम भुन जाने देंगे। और इसमें 4 से 5 सूखी मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच। तैयार है। अब इसको हम राजमा उड़द की दाल जो बना के रखी है उसमें डाल देंगे एंड राजमा उड़द की दाल बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसको अब एक बाउल में सर्व कर लेंगे, ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे एंड राजमा उड़द की दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी बनकर रेडी हो चुकी है। तो रेसिपी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी जाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।